मैं कक्षा दो में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्रिकेट डंडा है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी का नाम है गिल्ली डंडा। एक दिन सब गिल्ली डंडा खेल रहे थे, जीत ने गिल्ली को उछाला। सब लोग उसे पकड़ने दौड़े, गिल्ली तालाब के पार चली गई। गिल्ली बबली के पास जा गिरी, बबली ने गिल्ली उठाई। बबली ने उस तालाब के पार फेंकने लगी, गिल्ली तालाब में गिर गई। सब गिल्ली को लेकर परेशान हो गए, बबली को तैरना आता था। वह तालाब में कूदी और गिल्ली ले आई। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा टमटा है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्रिकेट डंडा है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका कहानी का नाम है चाय। एक दिन जमाल को जुकाम हो गया। वह सुबह से छींक रहा था, उसकी नाक भी बह रही थी। जमाल का मन चाय पीने का हुआ। रोज की तरह मदन उसके घर पर ही था। जमाल ने उससे कहा कि चाय पीने का मन हो रहा है। मदन फौरन चाय बनाने चल पड़ा। उस दिन मदन पहली बार चाय बना रहा था। उसने पहले कभी चाय नहीं बनाई थी। मदन ने पतीले में 2 प्याले पानी डाला। उसने पानी में 2 लौंग डाली। फिर मदन ने पानी उबलने रख दिया। मदन ने खूब सारा अदरक डाला। पानी में लौंग और अदरक खूब देर तक उबाले। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका नेगी है। मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिनती गांव है। आज मैं अपनी गाय के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार हमारे घर में एक गाय थी। उसका नाम था लाली। लाली बहुत सुंदर लगती थी। वो उसका बच्चा होने वाला था और रात को हम कुछ बिछा कर किनारे में बैठे थे। दादी और मैं सोच रहे थे तो तभी मुझे नींद आ गई। तो फिर मम्मी मुझे उठाकर बिस्तर में लेटा आई। फिर उसके बाद मैं सुबह उठी। तब मैंने देखा कि मम्मी लोग गोट के आगे खड़े हैं। तो मैं जल्दी से वहाँ पर आ गई। मैंने पूछा क्या हुआ। मम्मी ने बोला हमारे गाय का बच्चा हुआ है। तो मैं खुश होकर दरवाज़ा खोला। तब उसकी तरह ही एक लाल और सुंदर और उसके माथे में चंद्रबिंदु के तरह सफ़ेद बिंदा था। तो मैंने बोला कि मम्मा हम इसका नाम रखेंगे लाली और चांदनी या लाली रखेंगे। हमने ऐसा सोचा तो हमने उसका नाम रखा चांदनी। वो बहुत सुंदर होती रही। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तनुजा रमटा है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय विद्यालय क्रिकेट डंडा है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी का नाम है छुपन छुपाए। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिन कर सबको ढूंढने निकला। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। जीत बाकी सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। इस सदी का नया आविष्कार है। पहले मोबाइल में इंटरनेट तथा दूसरे प्रोग्राम नहीं थे। लोग केवल आपस में बात करने के लिए इसका उपयोग करते
थे। आज तो मोबाइल ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मोबाइल ने पूरे संसार को जोड़ने का कार्य किया है। पल भर में अपने देश विदेश के मित्रों से संवाद किया जा सकता है। उन्हें चित्र या वीडियो भेजा जा सकता है। इधर से ही निकला, उधर चला गया, आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर निकलो, जाने का बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपना दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके दो बच्चे हैं, बाखिन सारा दिन पहरा देता है। बाघ या बच्चों से खेलता है या सोता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना।